एयर होस्टेस बहू। लंबी गोरी आन्या को एयर होस्टेस बनने का शौक था। वो दिन हो या रात बस एयर होस्टेस बनने के सपने देखा करती थी। हमेशा टीवी पर बस ऐसे ही वीडियो देखा करती थी और वैसे ही बोलती थी। एक बार उसे देखने के लिए लड़के वाले आते हैं। आन्या बेटा आओ, मेहमान आ गए हैं। आन्या बाहर आती है। उसने बिल्कुल एयर होस्टेस जैसे कपड़े पहने होते हैं और वो मेहमानों से भी बिल्कुल एयर होस्टेस जैसे बातें करती है। आप सभी लोगों का हमारी शर्मा हाउस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे घर की मेहमान नवाजी के साथ ही मैं काफी पसंद आऊंगी। आप लोगों से निवेदन है कि अगले आदेश तक अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, हम जल्द ही उड़ने वाले हैं। होने वाली सास बोल पड़ती है। उड़ने वाले हैं? अरे कहाँ उड़ने वाले हैं, ये किसी घर में आए हैं या प्लेन में? क्या है भाई साहब, ये आपकी बेटी को क्या हो गया है? तब आन्या की माँ जवाब देती है। वो क्या है ना, थोड़ी मजाक या किस्म की है हमारी बेटी। वो तो दिख ही रहा। वैसे क्या आन्या बेटी, एयर होस्टेस हो क्या आप? हो नहीं पर हो जाऊंगी। दो राउंड क्लियर है, बस अब तीसरे राउंड के बाद ज्वाइनिंग, फिर मैं बन जाऊंगी एयर होस्टेस। वाह वाह, सुना है एयर होस्टेस खूब कमाती है। और नहीं तो क्या, हर ट्रिप के पैसे, ऊपर से विदेश घूमो। मैं तो जल्द ही उड़ जाऊंगी। आन्या की बात सुनकर सास को लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मजा आ जाएगा, मैं भी बहू के साथ कभी अमेरिका तो कभी कनाडा। उधर आन्या मन में सोच रही होती है, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। चुस्त लग रही है बुढ़िया, अपना घर संभालेगी, मैं प्लेन में, ये घर में। और फिर हंसते हंसते ये आन्या के मुंह से निकल जाता है। वो क्या है ना, मुझे तो रिश्ता मंजूर है जी। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली, मुझे भी तो बहू के रूप में बहुत मंजूर है। तो बताइए कब की टिकट कटनी है मेरी? अरे कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। ओह माय गॉड, एक एयर होस्टेस ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो तुमसे क्या पूछना। खैर अब मैं चलती हूँ, नमस्कार। आन्या का एयर होस्टेस वाला भूत उसके सर पर चढ़ता ही चला जाता है। खैर विवेक की शादी आन्या से हो जाती है। शादी के बाद बहू क्या बात है, लाल सी ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही हो। बुढ़िया तू क्या सोच रही है, मैं सब जानती हूँ। ये मेरे साथ लटकना चाहती है, गंवार कहीं की। अरे क्या सोच रही है बिटिया, मुझे घूर घूर कर देख रही है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है वैष्णो देवी जाने के लिए प्लेन से जाओ तो 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वो क्या है ना, माता के दरबार में मत्था टेकने का मन था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं टिकट करती हूँ ना आपकी। बहू वहाँ से चली जाती है। रात को खाने की टेबल पर सभी से निवेदन है कि खाने का सामान परोस दिया गया है, जल्दी जलपान कर ले, सहयोग के लिए शुक्रिया। सभी को आन्या की बातें अजीब लगती हैं, लेकिन करें भी तो क्या, बहू जो ठहरी। तभी एक रोज रात को मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं मैं। क्यों क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? वो क्या है ना, धरती पर सोने की आदत नहीं है ना, मुझे तो आकाश में सोना है, जहाँ से बादल दिखे। ये क्या, घर के अंदर सड़ी सी छत और रेलवे का पंखा चलता दिख रहा है। अरे यार बड़ी अजीब हो, घरों में तो लोग ऐसे ही सोते हैं ना। सोते होंगे, मुझे आदत नहीं है, मैं छत पर झूला लगा कर सोई हूँ, झूला हिलेगा तो मुझे लगेगा फ्लाइट में गोते खा रही हूँ आकाश में। मैं तो चली। अब क्या था, ठंडी हवा के बीच बहू छत पर सोकर उठती है तो उसे सर्दी लग जाती है। अरे क्या हो गया बहू, तू तो बोल रही थी मुझे जम्मू लेकर जाएगी, तू तो पहले से ही बीमार होकर बैठ गई, मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, अब उड़ा कर ले चल। अच्छी, यहाँ नाक की दही बनी हुई है और इन्हें जम्मू घूमना है। हाय रे, लगता नहीं कि ये एयर होस्टेस बहू कभी मुझे प्लेन की सैर भी कराएगी। अरे क्या हो गया माँ, काहे रोई जा रही हो? बेटा मैंने सोचा था कि बहू उड़न खटोले में लेकर मुझे घूमेगी, लेकिन इसके नखरे झेलते झेलते मैं तो थक गई हूँ। तभी बहू आ जाती है।
जी। आप लोग खड़े क्यों हो? मुझे खड़े हुए लोग देखने की आदत नहीं है। कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और खिड़की से बाहर देखे, साथ ही सीट बेल्ट बांध ले। देखो आनिया, ये एयर होस्टेस वाली जॉब बाहर तक ठीक है, लेकिन तुम ये घर पर जो अजीब सा व्यवहार करती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्या समझो मेरी नौकरी की कदर? ठेले में बैठ बैठ कर बस ठेले हो गया हूँ। मैं एयर होस्टेस हूँ, पता है हवाई टिकट कितने की आती है? लोग एक बार बैठने के लिए मरते हैं, मैं तो रोज दो बार घूमती हूँ। और सासू माँ, मैं आपकी तरह खाना बनाने वाली औरत नहीं हूँ, समझ गई? बड़े ही घमंड से बोलने वाली बीवी का ये लहजा पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो ठेला नहीं शोरूम है, जिसे तुम काम बोल रही हो वो मेरा जमा जमाया बिजनेस है, जिसे देखकर तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। अरे हम लोगों की फ्लाइट में तो माल्या से लेकर मोदी आते हैं। हाँ हाँ आते हैं, आते होंगे, लेकिन भागने के लिए, घूमने के लिए नहीं। जो भी हो, है तो बिजनेसमैन ही ना। हाँ तो वो कौन सा तेरे से शादी करने को भाग रहे हैं बहू? पानी ही पीते हैं ना तेरे हाथ से, कोई बिजनेस एडवाइजरी तो नहीं लेते क्यों? अरे घूम घूम कर खाना चाय और पानी ही तो बांटती है ना तू, जैसे जमीन पर वेटर होते हैं, तू बस इंग्लिश में गिटपिट करती है और तू हवा की वेटर है, जब देखो तब घमंड करती रहती है। सास के मुंह से इतने कड़े शब्द सुनकर आन्या रोने लगती है कि तभी उसके ससुर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देख भाग्यवान, एयर होस्टेस की जॉब भले ही खाना या पानी देने की हो, लेकिन आपदा के वक्त इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक पैसेंजर का ख्याल रखना। काम काम होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। आन्या को ससुर की बात से थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन तभी पति, माना पापा वो काम है, लेकिन काम को अपने सर पर चढ़ा लेना कहाँ तक सही है? मैं बिजनेसमैन हूँ, घर का सामान बेचता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर को ही बेच दूंगा। माँ घर पर रहती है, खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के घर जाकर खाना बनाएगी या फिर घर को होटल बना देगी। पापा, काम को घर के बाहर तक ही रखना सही है। मुझे माफ कर दो, मैं आज की बात कभी भी अपने जॉब को घर के बीच नहीं लाऊंगी। मैं समझ गई जैसे दूसरी नौकरी है वैसे ही एयर होस्टेस की जॉब भी है। मैं इस नौकरी के चक्कर में ज्यादा ही पागल हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, मैं या तो ये नौकरी नहीं करूंगी या फिर अपनी हद में ही रहूंगी।